Hello everyone, this is Parithi. In today's video, we are going to discuss a poem of 10th standard, that is The Height of the Ridiculous, written by Oliver Wendell Holmes. तो इन्होंने एक पोम लिखी है, बहुत ही छोटी पोम है, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें सबसे शॉर्ट पोम आप इसको मान लीजिए. और ये पोम जो एक ह्यूमरस है, मीन्स हंसी मजाक की है, फनी है. और देखिए इसका जो टाइटल है, दैट इज हाइट ऑफ द रिडिक्यूलस. तो रिडिक्यूलस का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा फनी होती है, एक्सट्रीमली फनी, टू फनी, या ऐसा कि आप उसको बिलीव नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा फनी. और हाइट का मतलब होता है एक लिमिट, जिसे हम बोलते हैं ना कि किस चीज़ की लिमिट होती है, हर चीज़ की एक हाइट होती है. अगर आप उसकी भी ऊपर जा रहे हैं तो आप लिमिट क्रॉस करें. दैट मीन्स यहाँ पर जो इनकी जो पोएम है वो एक ऐसी है जिसने फन होने की एक लिमिट क्रॉस करी है. मीन्स इतनी ज़्यादा फनी थी वो कि इस पोएम को पढ़ने के बाद जो उनका सर्वेंट था वो बीमार हो गया. बीमार हो गया मतलब वो इतना ज़्यादा हंसा कि वो बीमार हो गया, और उसके कारण इनको काफ़ी दिनों तक, जो राइटर हैं, जो पोएट हैं ओलिवर, उनको काफ़ी दिनों तक उसकी सेवा करनी पड़ी, उसका ध्यान रखना पड़ा. तो देखते हैं क्या है इस पोएम में. आई रॉट सम लाइन्स वंस अपॉन अ टाइम इन वंड्रस मैरी मूड एंड थॉट एज यूजुअल मैन वुड से देवर एक्सीडिंग गुड. आई रॉट सम लाइन, तो पोइट कहते हैं कि मैंने कुछ लाइन्स लिखी थी एक बार, और एक अच्छे से डिलाइटफुल हैप्पी मैरी मूड, मैरी का मतलब होता है खुश, तो खुश होते हुए अच्छा मूड था मेरा, और उस अच्छे से मूड में मैंने पोम की कुछ लाइन्स लिखी थी. और मैंने ऐसा सोचा एंड थाट एज यूजल, हमेशा की तरह, कि मैन मीन्स जो इसको रीड करेंगे उनको ये पोम अच्छी लगेगी, ये लाइन्स अच्छी लगेंगी. एक्सीडिंग गुड मीन्स अच्छी, एक बहुत, एक्सीडिंग का मतलब था एक अनयूजल डिग्री, जो एक्सीड करती थी, जो बढ़ती जाती है, तो उनको ये पोम पढ़ने के बाद काफ़ी अच्छा लगेगा, उनको बहुत गुड, इट विल अपेयर एज अ गुड पोम फॉर देम. दे वर सो क्वीर, सो वेरी क्वीर, आई लव्ड एज आई वुड डाई, अल्बेट इन द जनरल वे अ सोबर मैन एम आई. क्वीर का मतलब होता है स्ट्रेंज, तो वो जो लाइन्स थी वो स्ट्रेंज थी, बहुत ज़्यादा अजीब थी, स्ट्रेंज थी. और मैं इतना हंसा उनको पढ़ने के बाद कि ऐसा लग रहा था कि अब मैं मर ही जाऊंगा. यू कैन जस्ट रिमेंबर वन फिगर ऑफ स्पीच इज यूज, आई लव्ड एज आई वुड डाई. तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा एक फिगर ऑफ स्पीच इज का नेम है हाइपरबली, तो ये वहाँ पर यूज हो रही है. ओके, तो आई लव्ड एज आई वुड डाई. एल्बेट, एल्बेट का मतलब होता है दो, थ्रू, इन अ जनरल वे, दैट मीन्स एक जनरल वे में, तो मैं कैसा हूँ, एक सिंपल सा सोबर सा पर्सन हूँ मैं कोई बहुत ज़्यादा फनी मैन नहीं हूँ, मैं एक सोबर सिंसियर मैन हूँ, सिंसियर और सीरियस पर्सन हूँ, मेरा जो नेचर है वो एकदम शांत है. लेकिन मुझे उन लाइंस को पढ़ के इतनी हंसी आ रही थी कि ऐसा लग रहा था कि मैं अभी मर ही जाऊँगा. क्वेश्चन नंबर वन कम्स ओवर हियर, इन वॉट फ्रेम ऑफ माइंड डज द पोइट राइट सम लाइंस. उनके दिमाग का जो फ्रेम था, दैट मीन्स क्या मूड था उनका, What was his mood while writing these lines? Okay, आगे बढ़ते हैं. I called my servant and he came. How kind of him! Sorry, how kind it was of him to mind a slender man like me. He of the might limb. तो मैंने अपने servant को बुलाया और वो आया. वो कितना अच्छा था कि वो मेरा ध्यान रखता था. और यहाँ पर mind का मतलब हो रहा है ध्यान रखना, to take care of. अ स्लेंडर मैन लाइक मी, स्लेंडर का मतलब होता है स्लिम, स्मॉल, छोटा पतला, दुबला पतला सा था वो जो राइटर है, वो सॉरी जो पोएट है वो दुबले पतले हैं. तो वो पोएट कहते हैं कि कितना अच्छा है वो सर्वेंट कि वो मुझ दुबले पतले आदमी का इतना ध्यान रखता है, और वो खुद थोड़ा सा माइट है, माइट मीन्स आप कह सकते हैं हेल्दी है. उसके जो लिम है, आर्म, लेग जो है, दैट मीन्स उसकी, उसका बॉडी स्ट्रक्चर एज कम्पेयर टू द पोइट थोड़ा सा माइट है, दैट मीन्स बड़ा है, ही इज फैटर देन द पोइट. दीज टू द प्रिंटर आई एक्सक्लेम्ड एंड इन माई ह्यूमरस वे आई एडेड एज अ ट्रिफलिंग जेस्ट, देयर विल बी द डेविल टू पे. तो मैंने एक्सक्लेम करते हुए कहा कि दीज टू द प्रिंटर, इनको ले जाओ प्रिंट करने के लिए, लाइन्स हैं मैंने लिखी हैं, इनको प्रिंट करने के लिए लेके जाओ, क्योंकि वो पोएट है तो वो अपनी लाइन्स को प्रिंट करवाते हैं, राइट. जैसे हम देखते हैं कोई भी बुक्स हम रीड करते हैं तो प्रिंट आउट होती है, उनकी प्रिंट्स होती हैं. तो ऐसे ही उसने बोला, जो पोएट है उन्होंने कहा कि इसको प्रिंट के लिए लेके जाओ.
इन अ ह्यूमरस वे, और एक ऐसे ही हंसी मजाक मस्ती के मूड में मैंने क्या कहा, मैंने ऐड किया, आई एडेड एज अ ट्रिफलिंग जेस्ट. ट्रिफलिंग का मतलब होता है स्मॉल जोक, जैसे हम बोलते हैं ना कई बार एक छोटा सा जोक पास कर देते हैं हम, वी जस्ट पास अ जोक. तो ऐसे ही उसने जोक करते हुए कहा. जेस्ट का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो मस्ती के लिए, जो ऐसे इन्जॉयमेंट के लिए कही गई हो. तो ऐसा जोक उन्होंने पास किया और उन्होंने कहा कि देयर विल बी द डेविल टू पे. कौन होगा यहाँ पर, कौन पे करता है? देखिए, राइटर जो होते हैं या जो पोइट होते हैं वो अपनी लाइन्स प्रिंट करवाते हैं, राइट? और वो क्यों करवाते हैं? वो इसलिए करवाते हैं ताकि जो रीडर्स होते हैं उसको परचेस करें और वो पे करें. तो यहाँ पर उन्होंने ऐसे ही मस्ती मजाक में कहा कि कोई तो ऐसा डेविल होगा जो मेरी लाइन्स के लिए पे करेगा. दैट मीन्स जो लाइन्स प्रिंट होंगी उनको कोई तो रीडर परचेस करेगा, तो कोई तो डेविल इन लाइन्स के लिए या जो भी पोम वो लिख रहे हैं उसके लिए पे करेगा. एक ह्यूमरस ऐसी मस्ती मजाक के मूड में उन्होंने कहा. ही टुक द पेपर एंड आई वॉच्ड एंड सॉ हिम पीप विद इन. एट द फर्स्ट लाइन ही रेड हिज फेस वॉज ऑल अपॉन द ग्रिन. उसने पेपर लिया जो सर्वेंट था और मैं उसको देख रहा था. ही सॉ हिम एंड सॉ हिम पीप. पीप मीन्स होता है झांकना. तो जैसे ही उस सर्वेंट ने पेपर लिया तो मैं उसको देख रहा था कि वो उस पेपर में उस जो लाइन्स लिखी थी उसमें झांक रहा था. दैट मीन्स उसको देख रहा था. और पहले उसने फर्स्ट लाइन जो उसने रीड करी तो उसके फेस पे एकदम हंसी आ गई. वॉज ऑल अपॉन द ग्रिन. ग्रिन का मतलब होता है लाफ. तो उसके फेस पे जब पोएट उसको देख रहे थे, जब उसने लाइन रीड करी तो वो हंसने लगा. ही रेड द नेक्स्ट. उसने फिर नेक्स्ट लाइन रीड करी. द ग्रिन ग्रू ब्रॉड And shot from ear to ear. He read the third. A chuckling noise I now began to hear. अब उसके बाद क्या किया? Broad का मतलब होता है बड़ा हो जाना. That means पहली line को देखकर उस वो थोड़ा हंसा. फिर जब उसने next line read करी तो वो और ज़्यादा हंसने लगा. और and shot from ear to ear. That means उसका ऐसा लगा उसका जो मुँह पूरा खुल गया था एक कान से दूसरे कान तक. That means यहाँ पर again एक्चुअल में ऐसा होता नहीं. जब हम हंसते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपके एक कान से दूसरे कान तक आपके जो होंठ है उतने फैल रहे हों. लेकिन यहाँ पर बस वो बता रहे हैं कि इतनी हाइट थी कि वो पूरी तरह से अपना फेस ओपन करके ब्रॉड मैनर में वो हंसने लगा. और जब उसने थर्ड लाइन रीड करी दैट टाइम चकलिंग नॉइज का मतलब होता है लाफिंग सॉफ्टली, एकदम धीरे धीरे जैसे छुप के हंसते हैं ना हम, कि उसका ऐसा नहीं लगे कि हम उसका रीड कर रहे हैं. तो वो जो सर्वेंट है वो नहीं चाहता था कि पोएट को ऐसा पता चले कि मैं उसकी राइट लाइन रीड कर रहा हूँ, क्योंकि पोएट ने क्या कहा था उसको कि इसको प्रिंट करवाने के लिए देख कर आओ. लेकिन वो रीड कर रहा था और उसको ये नहीं पता था कि पोएट उसको देख रहे हैं. तो वो धीरे धीरे एकदम सॉफ्टली हंसने लगा. आवाज़ आने लगी हंसने की. आई नाउ बिगेन टू हियर. तो मुझे वो हंसने की जो आवाज़ थी, चकलिंग नॉइज थी, वो मेरे को सुनने लगी, सुनाई देने लगी. अब देखिए, आप एक और आपका फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है यहाँ पे, ओनोमेटोपिया, जो चकलिंग नॉइज. ओके, आगे बढ़ते हैं. द फोर्थ ही ब्रॉक इन टू अ रोर. द फिफ्थ हिज वेस्ट बैंड स्प्लिट. द सिक्स्थ ही बर्स्ट फाइव बटन्स ऑफ एंड टम्बल्ड इन अ फिट. और फोर्थ लाइन जब उसने रीड की तो वो जोर जोर से रोर करते हुए एकदम जैसे दहाड़ते हैं ना उस तरह से बहुत जोर जोर से हंसने लगा. और जब फिफ्थ लाइन उसने रीड की तो ऐसा लग रहा था उसके जो वेस्ट बैंड होता है, वेस्ट बैंड मीन्स आप जो आप बेल्ट होता है ना आपका बेल्ट, या आप कोई भी गारमेंट्स आप वेयर करते हैं तो जैसे उसका जो बटन होता है, तो वेस्ट बैंड, बैंड का मतलब होता है उस आपकी वेस्ट को कवर करने वाला, तो वेस्ट बैंड. तो वेस्ट बैंड एकदम स्प्लिट हो गया. दैट मीन्स टूट गया, उसका बटन टूट गया. और सिक्स लाइन पर तो वो इतना जोर से हंसा कि उसके पांच बटन्स और टूट गए. एंड टम्बल्ड इन अ फिट. और वो बेहोश हो गया, वो अनकॉन्शियस होके ज़मीन पर गिर गया. उसके शर्ट के पांच बटन टूट गए. इतनी जोर से वो हंसा जोर करते हुए कि उसके वेस्ट बैंड भी स्प्लिट हो गया, वेस्ट बैंड भी उसका एकदम टूट गया. एट द सेम टाइम उसके पाँच बटन भी बर्स्ट हो गए, मीन्स दूर दूर तक फैल गए, मीन्स गिर गए. जैसे हम कोई चीज़ होती है, कोई बटन होता है एकदम, या फिर कभी भी आप कोई कुछ एकदम झटके से कोई चीज़ ओपन करते हैं तो एकदम वो कैसे टूट जाता है और नीचे गिर जाता है. तो उसके बटन भी इसी तरह से बर्स्ट हो गए, फाइव बटन्स, और उसके बाद वो खुद अनकॉन्शियस होके गिर गया. 10 days एंड nights विद स्लीपलेस आई वॉच दैट रिचड मैन. एंड सिंस आई नेवर डेयर टू राइट एज फनी एज आई कैन. तो
10 डेज और 10 नाइट्स तक मैं उसको स्लीपलेस आई से देखता रहा, मैंने उसको वॉच किया, उसको ऐसी कंडीशन थी उसकी, वो हेल्पलेस था, वो सिक हो गया, बीमार हो गया। और उसके बाद मैंने सोच लिया कि कभी भी मैं इतनी फनी लाइंस नहीं लिखूंगा कि कोई इतना ज़्यादा बीमार हो जाए। ओके, दैट मीन्स नेवर डेयर, डेयर का मतलब कहते हैं हिम्मत करना, तो मैं कभी इतनी फनी लाइंस लिखने की हिम्मत नहीं करूंगा कि कोई इस हद तक हंस हंस के उसकी तबीयत खराब हो जाए। सो दिस वर द लाइंस और दिस वॉज द पोएम रिटन बाय ओलिवर वेंडल होम्स एंड इस टाइम ड्यूरेशन इज गिवन ओवर हियर 1809 to 1894। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट, व्हाई इज द पोएम को कॉल्ड द हाइट ऑफ रिडिक्युलस। हाइट ऑफ रिडिक्युलस क्यों कही गई है, इस पोएम का जो नेम है वो क्यों है, टाइटल क्यों है इसको। और क्वेश्चन नंबर 4, राइट एन एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। इसमें आपको काफ़ी सारी फिगर्स ऑफ स्पीच देखने को मिलेगी।